वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द डेजर्ट इकोसटम डेजर्ट को अगर लिटरली हम डेजर्ट इज़ एन एरिया विच इज़ ऑफ वाटर अवेलेबिलिटी, न्यूट्रेंट अवेलेबिलिटी इन दॉयल तो उस ये वो वजूहत होते हैं वहाँ पे सॉइल में या जो वहाँ पे अपर सॉइल या लोअर सॉइल में जो डाइवर्सटी ऑफ ऑर्गेनिजम्स होती है चाहे वो प्लाट्स हो एनिमल्स हो माइक्रो ऑर्गेजम्स हो वह बहुत कम होती है तो डेज़र्ट्स जो होते हैं एक एरिड काइंड ऑफ इकोसिस्टम होता है एरिड मींस दैट इज़ हैविंग वेरी लेस अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर फ्रॉम द रेनफॉल और फ्रॉम द वाटर टेबल यानी ग्राउंड वाटर की भी जो वहाँ पे अवेलेबिलिटी बहुत कम होती है रेनफॉल बहुत कम होती है बिकॉज इट एग्जिस इन वेरी हार्श एंड एक्सट्रीम काइंड ऑफ क्लाइमेट्स अब जो एरिड काइंड ऑफ इकोसिस्टम्स है जिसमें एक डेज़र्ट भी आता है वो तो डेज़र्ट को बहुत तरीक़ों से जो है क्लासिफाई किया है तो एरिड इकोसिस्टम्स में बेसिकली एरिड इकोसिस्टम में वो इकोसिस्टम होता है जहाँ पे बहुत कम डाइवर्सिटी होती है प्लांट्स एंड एनिमल्स की बिकॉज ऑफ द ऑफ नेसेसरी एलिमेंट्स लाइक वाटर एंड मिनरल्स इन द दॉयल तो उसके हिसाब से सेमी एडिड सेमी डेजर्ट सब डेजर्ट स्टैपी स्टैपी एक ग्रास लैंड होता है कल मैंने बताया था आपको एंड देन सेमी एरिड एंड एरिड ग्रास लैंडस तो ये भी जो है एरिड इको में आते हैं डिपेंडिंग अपॉन वट इज़ द अवेलेबिलिटी ऑफ मॉइस्चर एंड बायोलॉजिकल एक्टिविटीज क्या क्या हो रही है तो यहाँ पे uh, जो है डेजर्ट्स में एक और प्रॉब्लम है दे आर हैविंग एन इरेगुलर वाटर अवेलेबिलिटी इरेगुलर वाटर अवेलेबिलिटी एंड फॉर शॉर्ट ड्यूरेशन मीन्स एफ एफ ई मेरल वाटर अवेलेबलिटी मीन्स कि वहाँ पर अगर रेनफॉल होती है दैट ओनली ओकर्स इन वन और टू डेज जैसे हम नॉर्मली जो अगर यहाँ की बात करते हैं कश्मीर वैली की वी हैव अ डेफिनेट पीरियड ऑफ टाइम फॉर द रेनफॉल फ्राम मार्च टू मे के जो स्टार्टिंग वीक है तब तक बारिश होती है तो बट डेज़र्ट्स में आ, साल में एक दो दिन या ज़्यादा से ज़्यादा दस दिन होती है बारिश तो वहाँ पे जो है वाटर अवेलेबिलिटी उसके हिसाब से बहुत कम होती है तो एज अ रिज़ल्ट तो वहाँ पे जो है वेजिटेशन बहुत ही स्पार्स होती है तो वहाँ पे वही जो है प्लांट्स एंड ऑर्गेनिजम्स एग्जिस्ट कर सकते हैं दैट कैन सस्टेन इन लो अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर जैसे डेजर्ट में मैमल्स में कैमल पाया जाता है लिजर्ट्स स्नैक्स जो रैटल स्नैक्स है वो पाया जाते बिकॉज दे कैन एग्जिस्ट इन वेरी जो है ज़ीरो 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 अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर जो है अगर बारिश नहीं होती है बहुत दिन तक तब भी वो एग्ज़िस्ट करते हैं अब जो हॉट अब uh, डेज़र्ट्स जो है दो टाइप्स के होते हैं कोल्ड डेजर्ट एंड हॉट डेजर्ट हॉट डेजर्ट मींस कि जो जिसका जो टेम्परेचर है बहुत ज़्यादा होता है एज़ कंपेयर टू अदर इकोसिस्टम्स। तो इसमें जो बड़े बड़े जो कॉन्टिनेंट्स में जैसे नॉर्दर्न अफ्रीका में सहारा डेजर्ट है एंड देन कालाहारी डेजर्ट इज साउदर्न अफ्रीका आपको ये जो है ना आप ये याद रखना सहारा डेजर्ट नॉर्दर्न अफ्रीका में है एंड कालाहारी डेजर्ट एग्जिस्ट इन नॉर्दर्न सदर्न अफ्रीका देन थार डेज़र्ट जो इंडिया में है ये बड़े बड़े जो है हॉट डेजर्ट्स की बात कर रहा हूँ देन अटाकामा डेजर्ट इन इज इन साधर्न अमेरिका देन मैक्सिको एंड ऑस्ट्रेलिया में भी छोटे छोटे जो पैच्स हैं जो है डेज़र्ट्स के एग्जिस्ट करते हैं उसके अलावा कोल्ड डेजर्ट्स जो है जैसे गोभी डेजर्ट है मंगोलिया में सबसे बड़ा कोल्ड डेजर्ट uh, है देन वी हैव कोल्ड डेजर्ट्स इन ईरान टर्की और uh, अगर यहाँ पे uh, इंडिया की बात करते हैं वी हैव कोल्ड डेजर्ट लद्दाख लद्दाख इज कोल्ड डेजर्ट तो अगर हम जियोग्राफिकल uh, क्लास uh, ये एक्सटेंट देखेंगे या मतलब कहाँ कहाँ लोकेटेड है डेजर्ट इन द वर्ल्ड तो यहाँ पे जैसे कोल्ड डेजर्ट है ये पर्पल कलर के जो एरियाज है दे आर द कोल्ड डेजर्ट लाइक इन अंटार्टिका लाइक इन दिस पेंटागोनियन लाइक इन द आर्टिक डेजर्ट्स बिकॉज देर इज वेरी हार्श काइंड ऑफ क्लाइमेट जैसे मंगोलिया डेजर्ट है यहाँ पे लद्दाख भी है बिकॉज ऑफ द हायर एलिवेशंस जो हाइट है यहाँ पे उसकी वजह से जो है टम्परेचर बहुत कम होता है तो उसके अलावा जो है हॉट डेजर्ट्स है जैसे सहारा डेजर्ट है मैंने कहा था नॉर्दर्न अफ्रीका में है देन कालाहारी डेजर्ट इज़ इन साउदर्न अफ्रीका देन अटाकामा डेजर्ट इट एग्जिस्ट इन लाइक इक्विडार एंड पेरू काइंड ऑफ जो कंट्रीज़ है यहाँ पे यहाँ पे एग्जिस्ट करते हैं उसके अलावा कोस्टल डेजर्ट्स होते कोस्टल डेजर्ट्स बेसिकली एक्जिस्ट इन उन जगह जहाँ पर कोस्टल वाटर्स बहुत ठंडे होते हैं वी विल एक्सप्लन कि कैसे वो ठंडा जो है समंदर का पानी हाउ दे कैन क्रिएट इन कोस्टल डेजर्ट्स तो इसके अलावा जो है हॉट डेजर्ट्स यहाँ पे गिप्सन डेजर्ट जो है यहाँ पर ऑस्ट्रेलिया जो ऑस्ट्रेलियन कॉन्टीनेंट है वहाँ पर भी पाया जाता है इसके अलावा मेक्सिको में भी जो है डेजर्ट्स पाए तो ये ओवरऑल जो नक्शा है कि वर्ल्ड में किस किस टाइप के डेजर्ट्स कहाँ कहाँ पाए जाते हैं ओवरऑल तकरीबन तकरीबन सब कॉन्टिनेंट्स में एक्सेप्ट एक्सेप्ट हमेशा याद रखो यूरोप में कोई भी डेजर्ट नहीं पाया जाता देर इज़ नो डेजर्ट नो डेजर्ट एक्जिस्ट इन यूरोप तो रेस्ट ऑफ जितने भी कॉन्टिनेंट्स है सिक्स कॉन्टिनेंट्स सब में डेजर्ट्स पाए जाते हैं देन जो डेज़र्ट्स है बेसिकली uh, जो जोग्राफिकल एरिया है ग्लोब का पूरा उसमें उसका जो है ट्वेंटी परसेंट ऑफ द एरिया जितना भी ये कलर्ड एरिया है यहाँ पे पर्पल रेड एंड ग्रीन कलर के ये uh, जो इसका शेयर है दैट इज़ ट्वेंटी परसेंट ऑफ द टोटल एरिया ऑफ द वर्ल्ड मीन्स के जो डेज़र्ट्स है ये टोटल एरिया है वर्ल्ड का तो ये रैंडमली डिस्ट्रीब्यूट नहीं है ये डिस्ट्रीब्यूटेड उसी जगह है कि जहाँ पे उसको इनिशिएट करने के कंडीशंस है तो हम वो आगे जाके देखेंगे कि क्या क्या कंडीशंस है फॉर द डेजर्ट क्रिएशन डेजर्ट कैसे बनता है कौन कौन से कंडीशंस उसको जो है इनिशिएट करते हैं तो डेजर्ट में जो है प्रसपिटेशन चाहे वो रेनफॉल हो या स्नोफॉल हो दैट इज लेस देन फिफ्टी सेंटीमीटर्स पर ईयर जो रेनफॉल रेन गेज से हम कैलकुलेट करते हैं मेजर करते हैं तो उसमें जो है उसका जो वैल्यू है फिफ्टी सेंटीमीटर से कम जो प्रेसिपिटेशन होती है इन द डेजर्ट्स तो ये क्लाइमेट के हिसाब से नहीं होता है डेजर्ट जो मैं ये कह रहा था कि एक डेज़र्ट हम क्लाइमेट के हिसाब से नहीं देखते कि एक क्लाइमेट के जो है uh, कुछ पैरामीटर्स होते हैं कि उसकी वजह से डेजर्ट बनता है बट इट इज़ ऑल डिपेंडेंस अपॉन द प्रेसिपिटेशन मीनस रेनफॉल जो ऊपर से बारिश होती है बर्फ़ होती है उस पर डिपेंड करता है कि अगर ज़्यादा हो गई रेनफॉल देन द डेजर्ट विल बी कन्वर्टेड इन टू द अदर एकोसस्टम्स हो सकता है ग्रास लैंड एकोसस्टम में कन्वर्ट हो जाएगा बिकॉज ऑफ द मॉइस्चर जो है इंक्रीज होता है सॉइल में तो उसके अलावा जो क्लाइमेटिक uh, कंडीशन है अदर तो उस पर उतना डिपेंड नहीं होता है कि एक डेज़र्ट कैसे क्रिएट होता है उसके अलावा सॉइल कंडीशनस कैसी होती है सॉइल में ऑर्गेनिक मटेरियल बहुत कम होता है डेजर्ट में जिसकी वजह से जो है वाटर होल्डिंग कैपेसिटी जो पानी को जजब बांध के रखने की जो कैपेसिटी होती है उसमें नहीं होती है डेजर्ट सॉइल में क्योंकि बहुत ही रेतीला होता है रेत में आप पानी डालोगे तो वो फिर बह जाता है नीचे तो धीरे धीरे अगर वहाँ पे बारिश भी होगी बहुत ज़्यादा देन अगर वहाँ पे ऑर्गेनिक मटेरियल बहुत कम होता है देन वो जो है वाटर होल्डिंग कैपेसिटी उसकी कम है तो वो निकल जाता है वो ड्रेन आउट हो जाता है तो यूजुअली <coughs> जहाँ पे अगर हम फॉरेस्ट वगैरह नहीं होंगे रूट्स वगैरह नहीं होंगे वहाँ पर भी यही कंडीशन होती है सॉइल इरोजन होता है बिकॉज जो है वाटर की जो है रोकने की कैपेसिटी सॉयल में बहुत कम होती है बिकॉज वहाँ पर ऑर्गेनिक मटीरियल कम होता है बिकॉज ऑफ द डिफॉरस्ट्रेशन तो उसके अलावा जो मेनली uh, जो वर्ल्ड्स के डेज़र्ट्स फोर चार रिजन्स में क्लासफाई किए गए जो हमने यहाँ पे बताया है ये हमने बेस्ड ऑन द एरिया किस एरिया में पाए जाते हैं जैसे कोल्ड एरिया में या हॉट एरिया में या कोस्टल एरियाज़ में बट डिपेंडिंग अपॉन द रीजन्स रीजन में डेज़र्ट पाया जाता है उसमें उसके क्या प्रिकर्सर्स है क्या कंडीशन जैसे हाई प्रेशर एरियाज़ है वहाँ पे भी डेज़र्ट्स बनते हैं क्यों बनते हैं वहाँ पर भी डिस्कस करेंगे माउंटेंस में कुछ माउंटेंस में भी डेजर्ट्स बनते हैं बिकॉज ऑफ सर्टन रीजनस कोस्टल एरियाज में बनते हैं इनलैंड में बनते हैं तो अगर हम हाई प्रेशर बेल्ट की बात करते हैं जैसे हाई प्रेशर होता है इन बिटवीन ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड ट्रॉप जो थर्टी डिग्री जो है लेटिट्यूड uh, होता है इसके बीच में जो डेजर्ट्स पाए जाते अगर आप सहारा डेजर्ट की बात करते यहाँ पर यह सहारा डेजर्ट है हमने अभी देखा ये दूसरी डाइग्राम है तो सहारा डेजर्ट एग्जिस्ट करता है इन बिटवीन ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड थर्टी डिग्री लैटीट्यूड तो इसके बीच में जो जो है हाई प्रेशर जोन है हाई प्रेशर जोन क्या होता है यहाँ से मॉइस्चर लो प्रेशर की तरह जाता है तो यहाँ पे जो है लैटिट्यूड्स जो है बिकॉज ऑफ द हाई प्रेशर यहाँ पे डेजर्ट्स एग्जिस्ट करते हैं वैसे ही ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न మే జేసే యహ పే అట జో హే కాలాహారి డెజర్ట్ హే యహ పే ఎగ్జిస్ట్ కర్తా హే తో యే జో డెజర్ట్స్ హే యహ పే సిడ్నీ బి గిప్సన్ డెజర్ట్ హే యే బి హే దే ఎగ్జిస్ట్ బికాస్ ఆఫ్ ద లో ప్రెషర్ ఏ హై ప్రెషర్ ఏరియాస్ జో యే హై ప్రెషర్ బెల్ట్స్ హోతే హే ఇన్ బిట్వీన్ ద లాటిట్యూడ్స్ విత్ 30 డిగ్రీ నార్త్ టు 30 డిగ్రీ సౌత్ जो है उसकी वजह से जो है डेजर्ट्स एक्सिस करते हैं तो यहाँ पे क्या होता है यहाँ पे जितनी भी वेंट्स होते हैं जैसे हाई प्रेशर हवा चलती है हाई प्रेशर से लो प्रेशर तक तो यहाँ पे हमारे जो अर्थ होते हैं लैटिट्यूड के हिसाब से जो है हाई प्रेशर लो प्रेशर जोन होते हैं तो हमारा जो इक्वेटर है ये है लो प्रेशर जोन बिकॉज यहाँ पे जो टेम्परेचर होता है बहुत ही ज़्यादा होता है तो यहाँ पे जो है प्रेशर लो बनता है तो लो प्रेशर कैसे बनता है जो टेम्परेचर इंक्रीज़ होता है वॉल्यूम ऑफ़ एयर जो है वो एक्सपेंड होता है प्रेशर डिक्रीज़ होता है तो यहाँ से इस एरिया से हवा आती है इन एरियाज़ में वो अपने साथ जितना भी मॉइस्चर है वो भी उसके साथ ट्रैवल हो जाता है इन एरियाज़ में तो जितनी भी बारिश होती है इन एरियाज़ में होती है तो ये एरिया Uh, जो है uh, इसमें मॉइस्चर कम होता है देन इट सपोर्ट्स द एग्जिस्टेंस ऑफ डेजर्ट्स तो ये मैक्सिको का भी जो डेजर्ट है ये यहाँ पे पाया जाता है तो ये था आपका हाई प्रेशर एरियाज में जो डेजर्ट्स बनते हैं उसके बाद माउंटेंस में कैसे डेजर्ट्स बनते हैं तो अक्सर आपने देखा होगा जो पहाड़ी के दो साइड होते हैं एक साइड में पूरा अच्छा खासा वेजिटेशन होता है एंड देन दूसरे साइड जो होता है वो बैरन होता है वहां पे कोई भी वेजिटेशन नहीं छोटी छोटी जाड़ियाँ होती है बस बड़े बड़े पेड़ नहीं होते हैं तो उसमें क्या होता है तो जब भी विंड आती है तो जो स्ट्राइक करती है जैसे विंड का एक पैटर्न होता है वो रैंडमली नहीं आती है जैसे हमारा जो विंड्स आती है मॉइस्चर आता है फ्रॉम द वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस से आता है तो वो जब पीर पंजाल से स्ट्राइक होता है देन जो है मॉइस्चर स्टार्ट होने लगता है मतलब वो कंडेंस होने लगता है रेनफॉल होती है उसके बरक्स अगर आप देखेंगे लद्दाख के जो एरियाज़ है वहाँ पे बारिश बहुत कम होती है बिकॉज एक तो एलिवेशन उसकी ज़्यादा है वो लीवर साइड है लीवर साइड मीन अदर साइड ऑफ द माउंटेन तो जितना भी मॉइस्चर विंड्स का है यहाँ पे वो डिस्चार्ज हो जाता है इन टू दिथॉसफियर तो जितनी भी विंड्स है वो ड्राई हो जाती है और वो यहाँ पे इस एरिया में चले जाती है अगर यहाँ पे कुछ मॉइस्चर होगा भी वो भी वो खींच लेती है वो वो खुश हवा है <coughs> तो इसको रेन शेड डेजर्ट्स भी कहते हैं जो लीवर साइड में होते हैं अदर साइड ऑफ द माउंटेन्स होते हैं उसके अलावा है इनलैंड एरियाज इनलैंड एरियाज जो बेसिकली जो कॉन्टिनेंट के बीच में पाए जाते हैं तो लार्ज कॉन्टिनेंटल मास यहाँ पे तो ओवरलैप uh, कर सकता है जैसे हमने इससे पहले हाई प्रेशर uh, जो बताया है हाई प्रेशर एरियाज़ में कौन कौन से डेजर्ट्स पाए जाते हैं बट जो जैसे ये वाला है गोभी डेजर्ट है मंगोलिया में गिप्सन डेजर्ट्स है कालाहारी है पेंटागामा पेंटागोनियन डेजर्ट है अटकामा डेजर्ट है तो ये सब है इन डेजर्ट विद इन द जो है कॉन्टीनेंटल मास जो लैंड मास है उसमें हो जाते हैं उसके अलावा कुछ डेजर्ट्स है दे एग्जिस्ट इन कोस्टल एरियाज अब ये बहुत ही स्ट्रेंज है कि वाटर के जस्ट जस एडजस्टन यहाँ पे डेजर्ट एग्जिस्ट करता है तो इसके कुछ रीजंस है क्यों एक जो है डेज़र्ट एग्जिस्ट करता है जस्ट बिसाइड द ओशनज़ या कोई भी ऐसे वाटर बॉडी होती तो ये बेसिकली एग्ज़िस्ट करता है इन कोल्ड कोल्ड एरियाज़ मैंने अभी बताया था ये वाली एग्जांपल मैंने ली थी आपसे कि ये जो है एरियाज़ होते हैं यहाँ पे कोल्ड एरियाज़ को जो कोस्टल डेजर्ट्स होते हैं जो भी कोल्ड एरियाज़ होते हैं वहाँ पे ज़्यादा एग्जिस्ट करते हैं तो होता है क्या है जो ठंडी हवाएं होती है इसमें वो ऑपरेशन जो होती है ठंडे इलाकों में ये ऑपरेशन बहुत कम होती है तो हवा में जो नमी होती है बहुत कम होती है वो जितनी भी हवाएं यहाँ से आती है समुंदर से आती है तो वो जो स्ट्राइक uh, करती है टू द लैंड मास और लैंड में भी जितनी भी जो मॉइस्चर होता है वो इवापरेट हो जाता है टू दैट दैट वो खींच लेते हैं वो हवा जो मॉइस्चर है वो, वो खींच लेती है वो हवा तो ये एज ए रिजल्ट जितना भी यहाँ पे जो है मॉइस्चर उसका अपना भी मॉइस्चर वो भी चला जाता है तो एज ए रिजल्ट ओवर द पीरियड ऑफ टाइम जो है ये एरिया ज़्यादा जो है डेजर्ट बन जाता है तो ये एग्जिस्ट करता है ज्यादातर कोल्ड एरियाज में जो कोस्टल एरियाज है अब एक ये तो हमने जनरली बताया कि क्या? किस टाइप के जो है डेजर्ट्स होते हैं अब एक जनरल टिपिकल एग्जांपल एक डेजर्ट की एक डेजर्ट में एक इकोसिस्टम एक या फूड चेंज कैसे एग्जिस्ट करते हैं तो नॉर्मली जो डेजर्ट्स में होते हैं प्लांट्स कैक्टस टाइप के होते हैं जो थॉर्न्स टाइप के होते हैं सकुलेंट प्लांट्स होते हैं सकुलेंट प्लांट्स होते हैं जो अपने टिश्यूज में वाटर को एब्जॉर्ब कर सकते हैं उनके रूट्स बहुत डीप होते हैं और जो अपना जो है रिप्रोडक्टिव स्टेज यानी फ्लावरिंग स्टेज जो होता है उनका शॉर्ट होता है बहुत जिन दिनों बारिश होगी उन दिनों uh, से पहले वो अपना जो है वेजिटेटिव uh, वगैरह करते हैं एंड देन वो अपनी सीड्स वगैरह बहुत जल्दी प्रोड्यूस करते हैं इन शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम तो वो वैसे प्रोपेगेट होते हैं तो ये बेसिकली यहाँ पे ये एक तो कैक्टस होते हैं हो, और छोटे छोटे जो बुशेस वगैरह होते हैं जो बहुत ही हार्श कंडीशन में ग्रो करते हैं उन पे प्राइमरी जो है कंज्यूमर्स जो है फीड करते हैं जैसे घर जो रैट्स होते हैं होते हैं इंसेक्ट्स होते हैं और उनके बाद उनके जो पेडिएटर्स होते हैं स्नेक्स होते हैं लार्ज लिजर्ट्स होते हैं बहुत ही जो है लेस डाइवर्स काइंड ऑफ जो है फूड चेन्स एग्जिस्ट करती हैं बहुत ही हार्श कंडीशन में जो रह सकते हैं डेजर्ट वॉक्स वगैरह एंड देन जो ईगल्स हॉक्स वगैरह होते हैं वो टॉप कॉर्नीवर्स बेसिकली यहाँ पे होते हैं जो बड़े मैमल्स यहाँ पे बहुत ही जो है कम एग्जिस्ट करते हैं बिकॉज लिमिटेड अवेलेबिलिटी द फूड जो अब अगर आप देख देखोगे कि जो टॉप कॉर्नीवर्स होते हैं उनको चाहिए कि वो ज्यादा जो है फूड उनको चाहिए ताकि वो ज़्यादा एनर्जी जो है हासिल करें फ्रॉन बायोमास क्योंकि और ट्रॉपिक लेवल्स जो है एनर्जी डिक्रीज़ होती है एंड देन uh, उस एनर्जी को मेंटेन करने के लिए मतलब बॉडी को जो एनर्जी रिक्वायरमेंट चाहिए उसके लिए उनको ज़्यादा जो है खाना पड़ता है तो यहाँ पे जो डेजर्ट इकोसिस्टम है ऐसा कुछ नहीं है तो टॉप कॉर्निवर्स में नॉर्मली जो टिपिकल इकोसिस्टम होता है डेजर्ट इकोसिस्टम उसमें ज़्यादातर ही होता है तो उसमें जो प्लांट्स होते हैं एक फिर भी मैंने एक उसमें किस किस टाइप के प्लांट्स होते हैं रेनफॉल बहुत कम होती है कैक्टस होते हैं इस टाइप के प्लांट्स होते हैं और छोटे छोटे बुशेस होते हैं यहाँ पे जिसमें अदर जो है लिजर्ट्स स्नेक्स वगैरह उनके भी जो हैबिटेट्स होते हैं एकोलॉजिकल जो नीश्स होते हैं जहाँ पर वो रहते हैं फिजिकल स्टेट उनका और उसके अलावा उनके थॉर्नस होते हैं अब जो अक्सर आप में से अगर किसी ने सोचा होगा कि एक डेज़र्ट प्लांट में एक थॉर्नस किस वजह से हो उसके दो वजूहत हैं। एक तो वो आ, अपने आप को बचाने के लिए ताकि उसको जो है हर व्यवर्स खाए ना ठीक है दूसरा वजह यह है कि उसमें जो थॉर्स होते हैं वो उसको प्रोटेक्ट करते हैं फ्रॉम द द्रांसप्रेशन जो उसका स्ट्रोमेटा है उसको कवर करते हैं वो तो उससे भी जो है Uh, जो है उसका जो वाटर लॉस है कम हो जाता है उसमें जो अपनी बॉडी में स्टोर किया होता है वाटर वो उसको जो है उसका लॉस कम हो जाता है बिकॉज ऑफ द थॉर्न्स तो अक्सर ये हम प्लांट्स जो है हम अपने घर में भी यूज़ करते हैं एज एन डेकोरेशन जो हम जो बैक यार्ड में यूज़ करते हैं देन किस टाइप के एनिमल्स होते हैं जो बहुत ही हार्श कंडीशन में ग्रो कर सकते हैं जैसे स्मॉल स्मोल रूडेंट्स रैबिट्स मोल्स वगैरह इंसेक्ट्स एंड्स वगैरह ये जो है बहुत ही हार्श कंडीशन में जो जो है सरवाइव कर सकते देन ये थे आपके मेजर टेरिस्ट्रियल इकोसिस्टम्स वन वाज़ फॉरेस्ट ग्रासलैंड एंड दिस वाज अ डेजर्ट इकोसिस्टम नाउ वी विल मूव टू द एक्वैटिक इकोसिस्टम जब जैसे मैंने आपको पहले ही क्लासिफिकेशन में बताया कि एक्वाटिक इकोसिस्टम्स के दो टाइप्स नॉर्मली जो जनरल क्लासिफिकेशन है एक्वाटिक इकोसिस्टम मैनमेड हो सकता है नेचुरल हो सकता है मैनमेड का एक सिंपल एग्जांपल है एक्वेरियम एक्वेरियम हो सकता है या आर्टिफिशियल लेक हो सकता है आर्टिफिशियल लेक एक बड़ा सा हमने एरिया जो है डग आउट किया उसको फिर पूरा बाउंड्रीज वगैरह बनाई वॉल्स बनाए गए स्टोन वगैरह के उसमें वाटर को स्टोर किया तो एक आर्टिफिशियल लीक हो सकता है तो आर्टिफिशियल लीक सबसे ज़्यादा जो है हैदराबाद सिटी में पाए जाते हैं तकरीबन जो आ, पहले जमाने में तकरीबन मोर देन वन थाउजेंड लेक्स हुआ करते थे आर्टिफिशियल द दीकस जो है रिड्यूस हो गए टू हंड्रेंड तो, तो वो यूज़ करते थे फॉर द स्टोरिंग द ड्रिंकिंग वाटर बट जो एक टिपिकल एग्जाम्पल है आर्टिफिशियल एक्वाटिक इकोसिस्टम की दैट इज़ द फिश एक्वेरियम। उसके अलावा जो अब हम जो नेचुरल एक्वाटिक इकोसिस्टम्स की बात करते हैं तो उसमें जो है दो टाइप्स होते हैं एक फ्रेश वाटर फ्रेश वाटर जैसे पॉन्ड्स होते हैं पॉन्ड्स जो नेचुरली ऑकर करते हैं स्ट्रीम्स जैसे लेक्स रिवर्स जो है वो फ्रेश वाटर है जो बेसिकली उसमें जो साल्ट कंसनट्रेशन है बहुत ही कम होती है डिजॉल्वर uh, साल्ट की कंसनट्रेशन कम होती है एंड देन साल्ट वाटर जो है इकोसिस्टम्स uh, होते हैं जिसमें ओशनस होते हैं एस्ट्रीज होते हैं सीज होते हैं ओपन सी होता है, है. जैसे ये ये जो एग्जाम्पल है ये टिपिकल जो है पॉन्ड की है जिसमें जो है डिफरेंट काइंड ऑफ प्लांट्स है एग्जिस्ट करते हैं यहाँ पे एंड देन दिस इज अ टिपिकल एग्जांपल ऑफ ओशन फ्लोर जो है स्ट्रीज की है उसमें कैसे जो है डिफरेंट काइंड ऑफ फिशेस एंड वाटर एग्जिस्ट करता है नाउ वी विल मूव टू द फ्रेश वाटर इकोसिस्टम उसके बाद हम मैरीन जो एक्वाटिक मैरीन में सेकेंड जो है पार्ट है दैन फ्रेश वाटर इको सिस्टम अगर आप हाँ रिकॉल करोगे कि अर्थ का जो है तीन हिस्से वाटर है दैट इज मेनली मेड ऑफ दे ओशन वाटर जिसमें साल्ट वाटर कंसनट्रेशन बहुत ही ज्यादा है देन ओनली टू 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 वन टू टू या टू टू थ्री इज द फ्रेश वाटर उसमें भी जो है मैक्मम अमाउंट ऑफ फ्रेश वाटर तकरीबन टू जो है वो टोटल वाटर जो है लॉक है इन द गैशियर्स इन आइस कैप्स तो उसके बाद जो वाटर जो हमारे हम जब देखते हैं नदी नालों में जैसे दरिया में देखते हैं लेक्स में देखते हैं रिवर्स में देखते हैं वो काउंट करता है ओनली पॉइंट एट परसेंट ऑफ द टोटल वाटर जितना भी जमीन पे पानी है उसका खाली पॉइंट एट परसेंट जो है फ्रेश वाटर है जो हम यूज़ करते हैं जैसे लेक्स है रिवर्स है तो इसमें प्राइमरी प्रोडक्शन जो है मेनली कंट्रोल होती है प्राइमरी प्रोडक्शन मेनली कंट्रोल होती है वैसे प्राइमरी प्रोडक्शन क्या होता है फोटोसिंथेसिस फोटोसिंथेसिस से बायोमास प्रोड्यूस करना तो मेनली फ्रेश वाटर इकोसिस्टम में जो प्राइमरी प्रोडक्शन कंट्रोल होती है बाय द लाइट लाइट मींस सनलाइट एंड न्यूट्रेन अवेलेबिलिटी अब हम आगे जाके देखते हैं कि न्यूट्रन अवेलेबिलिटी पे कैसे एक लेक को हम डिफाइन कर सकते हैं कि लेक को एक एग्जाम्पल लेके हम कैसे उसको न्यूट्रन अवेलेबिलिटी या लाइट अवेलेबिलिटी पे कैसे उसको क्लासिफाई कर सकते हैं तो उसमें उसके अलावा फ्रेश वाटर जो डिफाइन किया गया है एज अ वाटर कंटेंट रिलेटिवली स्मॉल अमाउंट ऑफ डिजोल्व केमिकल कंपाउंड्स डिजोल्व केमिकल कंपाउंड्स होते हैं डिजोल्व सॉल्ट जैसे कैल्शियम मैग्नीशियम क्लोराइड्स क्लोरन uh, uh, और भी डिफरेंट साल्ट होते हैं उसकी जो है कंसनट्रेशन विद इन द लिमिट्स होती है जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर फाइव परसेंट से ज़्यादा साल्टंसनट्रेशन होगी देन इट विल बी कॉल्ड द साल्ट वाटर जैसे ओशंस में होता है अगर उसकी जो है पॉइंट फाइव परसेंट से कम होगी साल्ट कंसनट्रेशन देन इट इज़ कॉल्ड द फ्रेश वाटर पॉइंट फाइव परसेंट इज अराउंड फाइव हंड्रेड बी पी एम मीनस दस लाख हिस्सों में पाँच सौ हिस्से से कम अगर उसमें साल्ट कंसेंट्रेशन होगी दैन इट इज अ फ्रेश वाटर तो उसके अलावा जो पॉइंट फाइव टू फाइव परसेंट के बीच में है वो दैट इज द जो हमारा इकोसिस्टम है ब्रेकिश वाटर जिसको कहते हैं तो वो इन बिटवीन द ओशन एंड द फ्रेश वाटर जो है वो होता है न uh, जो बेसिकली uh, जो फ्रेश वाटर है ये स्टैंडिंग हो सकते हैं स्टैंडिंग मीन्स जिसका जो पानी रुका हुआ होता है जैसे लेक्स एंड पॉन्ड्स का या मूविंग हो सकता है बह बै, बहता है जो मतलब तो जो पानी बहता है जिसमें फॉर एग्ज़ाम्पल छोटे छोटे नदी नाले होते हैं आर चासन तो उसको स्ट्रीम्स कहते हैं ब्रूक्स कहते हैं या रिवर्स जिसका पानी बहता रहता है तो उसके अलावा जो हमें जो है इन इकोसिस्टम्स सिस्टम्स का जो अगर डाइवर्सटी पढ़ना है दैन वी हैव टू स्टडी कि इसमें किस टाइप की जो है फ्लोर एंड फाना जैसे प्लांट्स एंड एनिमल्स एग्जिस्ट करते हैं दैन उसके अलावा जो एक्वेटिक सिस्टम है उसमें किस टाइप के कि जो है प्रॉब्लम्स है जैसे मेन प्रॉब्लम इन दिक्वेटिको सिस्टम इज़ mainly lakes leaks and rivers that is the uh, disposable uh, disposal of the pollutants Johan waste what can I just say? solid waste to hold, liquid waste to ho डायरेक्टली डिस्पोज ऑफ करते हैं या सीवेज हो वेस्ट हो उसमें डिस्पोज ऑफ करते हैं इन टू दूक्वाटिको सिस्टम या फिशिंग वगैरह करते हैं ट्रांसपोर्ट है उसके जरिए भी ट्रांसपोर्ट में कैसे होता है जैसे रिवर ट्रांसपोर्ट यहाँ पे तो नहीं है ज़्यादा बट जो अदर कंट्रीज है उसमें भी ट्रांसपोर्टेशन मैक्मम जो है ईजी होता है इन द रिवर्स यहाँ पर पहले ट्रांसपोटेशन रिवर्स से ही हुआ करता था तो उसमें भी जो लीक्स वगैरह होती है ऑयल की उससे भी जो है कंटमिनेशन होता है डेंजर में है ये इकोसस्टम्स तो ये एक आ, फ्रेश वाटर इकोसिस्टम है एक पॉन्ड की एग्जाम्पल है फॉर एग्जाम्पल एक पॉन्ड का जो ऊपर वाला एरिया है ये कैसे दिखता है नीचे जो पानी में कैसा दिखता है ये एक जो है पॉन्ड का फ्लोर है इसमें भी डिफरेंट काइंड ऑफ जो है प्लांट्स हो सकते हैं कुछ रूटेड है सबरजड सबरज मीनस कि जो ऊपर नहीं आते हैं सतह तक बट ये जो है नीचे जमीन में उसके जो है ली जो है रूट्स है, होते हैं कुछ होते हैं सबमर्ज बट जो है फ्लोटिंग होते हैं ऊपर उनका जो है जाता है जिसे टाइफा जो नम लिमसु उस गा टाइफा पे वेत् बना हुआ तो पुराने ज़माने में उसको यूज़ किया जाता था मड प्लास्टर के लिए तो उसके अलावा इसमें जो एनिमल्स होते हैं जैसे फ्रॉग फिशज़ वगैरह और डिफरेंट इंसेक्ट्स के भी हो सकते हैं जैसे मॉस्किटो मॉस्किटो अपना लार्वा कहाँ देता है दैट गिव्स लार्वा इन द फ्रेश वाटर फ्रेश वाटर में वो लार्वा देता है उसके अलावा जो ये है ड्रैगन फ्लाई अगर आप ड्रैगन फ्लाई कहीं पर देखते हैं मीन्स देर इज़ द फ्रेश वाटर अवेलेबिलिटी वहां पे आसपास कोई फ्रेश वाटर है। जो ड्रैगन फ्लाई वहीं पे एग्जिस्ट करती है जहाँ पे पानी होगा तो अक्सर जो है जब भी पैडी का जो सीजन आता है ना तो उसमें ड्रैगन फ्लाई ज्यादा वो घूमती रहती है अक्सर हम बचपन में पकड़ते भी थे आप भी पकड़ते होंगे बट पर... जो ज़्यादा एग्जिस्ट करते हैं जहाँ पे फ्रेश वाटर हो गंदा पानी जो होगा वहाँ पे एग्जिस्ट नहीं करते हैं तो उसके अलावा जो है फ, आ, किंग फिशर है फॉर एग्जांपल या स्फानस है जो ये आ, जो फीड करते हैं तो ये एक टिपिकल एग्जांपल है एक पॉन्ड इकोसिस्टम की तो अब इसमें डिफरेंट काइंडस ऑफ जो है एबायोटिक कंपोनेंट्स जो हमने पढ़े नॉर्मली सब में इक्वली होते हैं कल भी हमने पढ़े थे जैसे टम्परेचर है लाइट है वाटर है ऑर्गेनिक एंड इनआरगेनिक कम्पाउंडस जिस जो बेसिकली सस्टेन करते हैं ये ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ द प्रोड्यूसर्स तो उसके बाद बायोटिक कंपोनेंट्स जैसे फाइटो प्लान जो छोटे छोटे एलगीज़ होते हैं फ्लोटिंग प्लांट्स होते हैं वॉलॉक्स uh, जो एनाबीना डिफरेंट काइंड ऑफ जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं फिर माइक्रोफाइट्स जो लार्ज प्लांट्स बड़े प्लांट्स होते हैं आ, लार्ज मतलब जो फाइटो प्लान से छो, छो, बड़े होंगे फॉर एग्जांपल ये वाले आ, इसको माइक्रोफ्लेंगटॉन्स कह सकते हैं जो ऊपर बड़े प्लांट्स से भी छोटे होंगे थोड़ा बट जो एलगीज है उससे भी थोड़े बड़े होंगे तो उसमें भी बहुत सारी एग्जाम्पल्स है देन कंज्यूमर्स जैसे जू प्लैंकटॉन्स स्मॉल फिशेस वगैरह होंगे फिर बड़े फिशेस होंगे बीटल होंगे फिर डिकम्पोजर्स वगैरह ये एक टिपिकल एग्जांपल है ऑफ द पॉन्ड इकोसिस्टम उसके अलावा यहाँ पे मैंने इससे पहले भी बताया कि एक लेक की अगर हम एग्जांपल लेंगे तो एक लेक में जो है स्टैंडिंग वाटर होता है पानी रुका हुआ होता है तो उसके डिफरेंट टाइप से लेक्स है जैसे ओलीगो ट्राफिक लेक है ओलिगो ट्राफिक लेक वो लेक होता है ये वाला जिसमें न्यूट्रन अवेलेबिलिटी बहुत कम होती है मतलब उसमें जो है नाइट्रोजन फॉसफोरस या अदर न्यूट्रंस की अवेलेबिलिटी बहुत कम होती है उसके अलावा अगर हम देखेंगे यूट्रॉफिक लेक यूट्रॉफिक लेक में ये न्यूट्रंस की अवेलेबिलिटी बहुत ज़्यादा होती है फॉर एग्जाम्पल डायल लेक या बुलर लेक उसमें जो है Uh, बहुत ही फास्ट जो ग्रो, ग्रोथ होती है प्लांट्स की बिकॉज न्यूट्रन अवेलेबिलिटी बहुत ज़्यादा है तो उसकी वजूहत है बिकॉज़ जो एडजेसेंट एरियाज में जो हम फर्टिलइज़र्स वगैरह यूज़ करते हैं ऊपर जो जो वहाँ पे अपर जो रीचेस है शालीमार साइड वहाँ पे पैडी वगैरह ग्रो करते हैं उससे भी जो है पोल्यूट नीचे आते हैं या हमारे पास जो सीवेज वाटर निकलता है वो उससे भी नीचे आता है उसके अलावा हमें है डिस्ट्रॉपिक लेक्स डिस्ट्रॉपिक मीन्स जिसमें ह्यूमस कंटेंट बहुत ज़्यादा हो मीन्स कि बेसिकली जो ऑर्गेनिक मटेरियल उसके आसपास में ज़्यादा हो जैसे ये वाला लेक है यहाँ पे एक आ, पानी का जो है तालाब जैसा है लेक ही है मिनी लेक बट इसके एडजस्टन एरियाज़ में ऑर्गेनिक मटीरियल ज़्यादा है तो उसको डिकम्पोजन की वजह से जो है एकट हो गया है ह्यूमस तो उसके बाद वॉलैनिक लेक्स है जो वॉलकनिक जो उसका जो मोह होता है वॉलैनो पहाड़ उसका जो मुंह होता है उसके ऊपर जो है कोई वाटर बॉडी एग्जिस्ट करती है तो वो भी उसको वॉलकनिक लेक कहते हैं फिर मेरी मेरोमिक लेक जो है ये क्या होता है इसमें जो है आ, अक्सर जो भी वाटर बॉडीज़ होती है चाहे वो ऑटम में हो या स्प्रिंग में उसका जो पानी है मिक्स होता है जो बॉटम का पानी ऊपर आता है और ऊपर का पानी नीचे जाता है सीज़न्स के हिसाब से बट इस टाइप के लेक्स में ऐसा कुछ नहीं होता है उसका वाटर जो है कभी भी मिक्स नहीं होता है हमेशा ऐसा ही रहता है तो उसके अपोज़िट जो उसका लेक है जिसको हम हॉलोमिक्ट लेक बोलते हैं उसमें जो है मिक्सिंग होती है जो इसकी न्यूट्रेंट्स की या वाटर लेयर्स की मिक्सिंग होती रहती है तो उसके अलावा आर्टिफिशियल लेक्स है जो मैंने भी एग्जांपल कहा कि हैदराबाद में बहुत सारे जो है आर्टिफिशियल लेक्स बनाए गए हैं तो ये आप थोड़ा सा याद रखना ये ज़्यादा डीप जाने की ज़रूरत नहीं इट इज़ जस्ट फॉर इंफॉर्मेशन कि कि किस किस टाइप के लीक्स हो सकते हैं तो इसके बाद जोन्स uh, एक लेक uh, इकोसिस्टम में किस टाइप के जोनस होते हैं लिटोरल ज़ोन्स जो जस्ट एडजेसेंट टू द जो उसका जो है टू द लैंड मास जहाँ पे प्लांट्स एंड जो छोटे छोटे प्लांट्स सब प्लाट्स हो या फ्लोटिंग हो या रूटेड फ्लोटिंग हो या रूटेड सबमर्ज हो वो एग्जिस्ट कर सकते करते हैं उसके बाद अदर जो ओपन एरिया में जाते हैं हम जहाँ पे उसको लेमनेटिक जोन बोलते हैं फिर प्रोफंडल जोन जहाँ पे लाइट नहीं पहुँचती है कुछ आ, एरिया में जो जिसको फोटिक फोर्टिक जोन बोलते हैं एफोटिक जोन मीन्स जहाँ पे लाइट नहीं पहुँचते उसको प्रोफंडल जोन बोलते हैं फिर बैंथिक जोन जो बेसिकली लेक फ्लोर पे जो है जहाँ पे बिल्कुल डार्क होता है डिपेंडिंग अपॉन द डेप्थ ऑफ द लेक लेकिन कितना नीचे होगा उस कितनी गहराई होगी वो बैंथिक जोन बोलते हैं उसको तो फिर लेक में भी ऐसे ही है जैसे पॉन्ड इकोसिस्टम में किस टाइप के जो है बायोटिक एंड एबायोटिक कंडीशंस कंपोनेंट्स एग्जिस्ट uh, करते हैं तो uh, उसके अलावा जो इसका स्ट्रक्चर है देन लास्ट टू स्लाइड्स आई विल बी टेलिंग यू ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है जब भी कोई स्टैंडिंग uh, वाटर हो उसको हम लेंटिक बोलते हैं जो रुका हुआ मैंने इससे पहले ही बताया उसको लेंटिक uh, जो है इकोसिस्टम बोलते हैं दूसरा होता है जो मूविंग वाटर उसको लोटिक बोलते हैं लोटिक इकोसिस्टम जैसे रिवर्स वगैरह में